नमस्कार फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेब टेक स्कूल। यहाँ पर आपको हिंदी में मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहते हैं। तो आप जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और आप उसे देख पाएँ। अगर आप हमारे वीडियो को और भी देखना चाहते हैं तो हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वो आप देख सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर से भी आपको मोबाइल के लिए मैंने प्लेलिस्ट में बना रखा है स्मार्टफोन टिप्स ट्रिक और इंटरनेट का टिप्स और ट्रिक और कंप्यूटर का टिप्स और ट्रिक। फिलहाल अभी कंप्यूटर का टिप्स और ट्रिक चल रहा है, तो बेसिक सा चल रहा है। तो बेसिक में हम आपको बहुत कुछ बता देंगे। तो अब आज हम लोग सीखेंगे कि फोल्डर जो होता है उसमें आपको देखने को मिला होगा कि उसमें कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई देते हैं। अगर कोई भी फोल्डर होता है उसमें आप कुछ देखते हैं, कुछ रखते हैं, और तो आपको उसमें कुछ पिक्चर्स दिखाई देते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, जैसे ये फोल्डर है एक और ये फोल्डर है एक। तो ये फोल्डर में आपको यहाँ देखिए कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो फोल्डर में पिक्चर सेट करना आज हम लोग सीखेंगे। तो इस पिक्चर को हटा के हम कोई पिक्चर लगा सकते हैं। और इसमें देखिए मैंने लगा रखा है ऑलरेडी, मैं अपना पिक्चर लगा रखा हूँ। तो इसमें पिक्चर, यही पिक्चर इसमें कैसे लगाएं, जबकि इसमें मैंने लगाया है और इसमें मैंने नहीं लगाया है, फिर भी पिक्चर्स दिखाई देते हैं क्योंकि मैंने इसमें कुछ रखा हुआ है। और अब हम एक नया फोल्डर्स बना लेते हैं सबसे पहले और देखते हैं। इसमें हम कुछ भी नहीं रखेंगे, ये फोल्डर्स खाली है। और हम इसमें इसमें पिक्चर्स सेट करेंगे। अभी यहाँ पर पूरा ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है और ये आपको यहाँ पर कोई पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम इसमें पिक्चर सेट करते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या क्या एक पिक्चर उठाया, यहाँ पर रखा डेस्कटॉप पर हम अपना पिक्चर। और हम इसमें अब सेट करेंगे। सबसे पहले राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पर जाइए और कस्टमाइज पर जाने के बाद यहाँ पर चॉइस फाइल पर क्लिक कीजिए। और मैंने जहाँ रखे हैं पिक्चर्स, अपना फ़ोटो जहाँ रहा है वहाँ पर जाइए। मैंने डेस्कटॉप पर रखा हो तो मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर है, यहाँ पर मैं क्लिक किया इस पर और ओपन कर देता हूँ। उसके बाद अप्लाई करना है और उसके बाद ओके कर देना है। यह देखिए इसमें कुछ भी नहीं, इस फोल्डर्स में कुछ भी नहीं है और यह अभी ब्लैंक था और इसमें भी फ़ोटो दिखाई दे रहा है आपका, पिक्चर्स दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने फोल्डर्स में पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने फोल्डर्स में पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स के बारे में यहाँ पर हम आपको बहुत सारे बेसिक सा और ऐसा ऐसा टिप्स और ट्रिक्स देने वाले हैं कि जिससे कि आप अपने कंप्यूटर को खुद से सुरक्षित रख सके और आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो तो खुद से कीजिए, कंप्यूटर फॉर्मेट करना हो खुद से कीजिए। वो सारे ट्यूटोरियल्स अब आने वाले हैं, कुछ दिन लगेंगे हमें वीडियो बनाने में। तो आप तब तक वेट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और कुछ प्रश्न और सुझाव हो, अगर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो हमें कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।